तो बच्चों, इसमें हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ किसी मिरर के लिए। इसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो दो नंबर में ये एग्जाम में आता है, स्टेट बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई में पूछा जाता है। कंपटीशन में जब ये डेरिवेशन हम लोग करते हैं तो वहां अजम्पशन नहीं लेते पैरा एक्सियल रेज वाला, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है कॉस थीटा एक्सप्रेशन में। जबकि अभी जो डेरिवेशन आपको बोर्ड लेवल पे करना है, इसमें आप देखेंगे कि कोई ऐसा फैक्टर नहीं आएगा, अजम्पशन चीजों को आसान बना देता है। तो हेडिंग लगा सकते हो आप दो नंबर में, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर। अब आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कॉनकेव मिरर तो आपको कॉनकेव मिरर के लिए ही करना होगा, और अगर कॉन्वेक्स मिरर लिखा है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए करना होगा। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करेगा, कॉनकेव कन्वर्ज करेगा। पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर चॉइस आपकी है, आप जो है कोई सा भी मिरर वहां पर कॉन्वेक्स या कॉनकेव में से कोई सा भी आप ले सकते हो। तो यहां पर हम ले रहे हैं कॉनकेव मिरर, मैंने कॉनकेव मिरर बनाया जिसका पोल मार्क किया। तो डायग्राम हम बनाते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस में बनाते हैं। पोल मार्क करने के बाद अपर्चर, अपर्चर इसका वो हिस्सा है जो एक्सपोज्ड है, यानी खुला हुआ हिस्सा एक्सपोज्ड टू एयर, उसको हम कहते हैं अपर्चर। अगर ये पूरा स्फीयर होता तो डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे कुछ ऐसा दिखता है। उस स्फीयर का सेंटर यहां होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ेगी उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। माना कि एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आकर इस पर इंसिडेंट है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाएगी वो होगा फोकस, क्योंकि हमें पता है कि जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं। तो अब यहां पर अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क करना चाहता हूं तो मैं यहां पर C से इस पॉइंट को, माना कि ये है पॉइंट A और ये इंसिडेंट रे है बी ए, सी ए को ज्वाइन करता हूं। तो यहां पर मैं मार्क कर सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, माना कि ये थीटा है, इसको आई भी लिख सकते थे हम। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से वो भी होगा थीटा। तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनने वाला ये एंगल, ये भी होगा थीटा। तो इधर जो बन रहा है वो हो जाएगा बच्चों 2 थीटा। अल्टरनेट एंगल से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो इधर आ गया 2 थीटा। और इस पॉइंट को मैंने मार्क किया F। यहां पर हम डिस्टेंसेस मार्क करके दिखाएंगे। सारी दूरियां नापी जाएंगी पोल से, ये हम साइन कन्वेंशन में पढ़ते हैं। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस
इसको दिखाएंगे हम स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस पोल से, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। तो हमें जो रिलेशन डिराइव करना है वो रिलेशन निकालना है आर और स्मॉल एफ के बीच। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो रेज जो है डाइवर्ज हो रही होती, अभी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और रेज को कन्वर्ज करता है कॉनकेव मिरर। तब मुझे ट्रायंगल्स चाहिए इनको लिंक करने के लिए। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ए से प्रिंसिपल एक्सिस सीपी पर। जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर फुट जो है उसको नॉर्मल यानी एन से दिखाएंगे। अब देखोगे पूरे रे डायग्राम जितने ही बनाएंगे सब में हम सेम टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, जिससे एक सिमेट्री बनी रहेगी और एक लॉजिकल सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। तो मुझे यहां पर ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, सी एफ ए, सी एन ए। तो अगर मैं यहां पर इस डायग्राम के रेफरेंस में बात करूं तो मैं लैंग्वेज में यहां पर लिख सकता हूं जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो हम लैंग्वेज यूज करते हैं कंसिडरिंग द सिचुएशन एज शोन इन फिगर, या फिर स्टेट बोर्ड में हम डिस्क्राइब करते हैं जो भी सिचुएशन होती है उसको। सो मैं यहां लिख सकता हूं कंसिडरिंग द सिचुएशन as shown in figure। फिगर के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल हम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल सी एन ए। मैं अगर मैं tan थीटा लिखता हूं तो tan थीटा मुझे मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज an अपॉन cn। और यही मैं इसको इक्विवेलेंट का सिंबल लगाकर लिख दूंगा। cn हमारे काम की डिस्टेंस नहीं है, हमारे काम की डिस्टेंस है cp, जिसको मैं r लिख पाऊंगा बाद में, तो an अपॉन cp। और उसका रीजन हम यहां पे देंगे। आप देखेंगे बहुत से अजम्पशन काम आएंगे हमारे चीजों को आसान बनाने के लिए, डेरिवेशंस को आसान बनाने के लिए। तो अजम्पशन यहाँ पर क्या है कि जो मिरर है वो स्मॉल अपर्चर का है, एज ये जो अपर्चर है एम पी एम डैश इज स्मॉल, बहुत छोटा है, इसलिए मैं मान सकता हूं कि एन और पी कोइंसाइड करेंगे। सो एन कोइंसाइड विथ P, और यही कारण है कि मैं N की जगह P लिख सकता हूं। तो दिस इज इक्वेशन वन। ऑल्सो इन राइट एंगल ट्राइंगल FNA के बाद अगर हम करें तो यहां पर tan 2 थीटा, साथ ही साथ हम ये भी अजम्पशन लगाते हैं एंगल स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल है, एंगल्स भी स्मॉल है, तो इक्विवेलेंट टू थीटा। इसको हम यहां पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं सेम कंसेप्ट को, थीटा इक्विवेलेंट टेन थीटा, टेन टू थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा परपेंडिकुलर ए एन अपॉन बेस एफ एन।
अब FN तो मेरे काम की डिस्टेंस नहीं है, तो मैं FN की जगह क्या लिखूंगा? अजम्पशन को रिपीट नहीं करने की जरूरत है, ऊपर जो रेफरेंस है वो काम करेगा, आपको एग्जाम में भी ऐसे लिख के आना है। तो नीचे मैं लिखूंगा FP, मैंने N को रिप्लेस किया P से, क्योंकि FP डिस्टेंस मेरे काम की। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 1 और 2 की मदद से कंक्लूड करेंगे यहां पे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 in equation 2 we get, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है जो आपको दो नंबर दिलाएगा, हमें मिलता है twice of theta की जगह मैंने लिखा an upon cp, equal to an upon fp। तो यहां पर an an कैंसिल हो जाएंगे और मुझे मिलता है 2fp इक्वल टू cp, और हम जानते हैं और टर्म्स भी हमने ऐसे यूज की, fp यानी फोकल लेंथ की पोल से डिस्टेंस, fp जो है वो किसके बराबर है, फोकल लेंथ f के बराबर है, और cp सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R के बराबर है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने, जिसको हम ब्लॉक पे बंद करेंगे, 2F इक्वल टू R, ब्लॉक में बंद कर देंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन ये हमने डिराइव कर लिया। तो ये डेरिवेशन जो आपके सामने आपको दिख रहा है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, ये 2 मार्क में आपसे पूछा जाता है। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिरर फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे 3 नंबर के लिए।